हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आउटडोर पोर्ट्रेट को स्टार्ट टू फिनिश एडिट सीखेंगे। सो बिफोर वेस्टिंग योर प्रीसियस टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इट इंक्लूड्स कलर ग्रेडिंग, स्किन रिटचिंग एंड मेनी मोर। एट फर्स्ट हम इसका लाइट एडजस्ट करेंगे, तो गो टू इस टाइम। अब एक्सपोजर थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, 14। कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, आई गेस अप टू 10। हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, स्किन को थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए अप टू 20। और शेडो को भी इंक्रीज करूँगा, थोड़ा सा डिटेल्स वापस लाने के लिए शेडो एरिया में अप टू 30। अब वाइट को डिक्रीज करूँगा, जिसमें से थोड़ा सा स्किन टेक्स्चर वापस आएगा, तो अप टू 83। अब ब्लैक को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा अप टू 12, अप टू 9। ओके, देन हम इसका कलर टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे, तो गो टू कलर टैब। अब थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज करूँगा अप टू 9, और वाइब्रेंसी इंक्रीज करूँगा, और सेचुरेशन को 5 रखूँगा। देन गो टू लेंस प्रोफाइल टैब, एक बहुत। अब हम इसमें स्किन रिटचिंग करेंगे, तो जूम अप टू 100% और मोर। देन हील टूल से थोड़ा सा ब्लेमिशेस रिमूव करूँगा, ओके, इस तरह से। एकदम पास के एरिया लेकर इस तरह से हम थोड़ा सा ब्लेमिशेस को रिमूव करूँगा। ये परफेक्टली वर्क नहीं करता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम इमेज को थोड़ा सा कलर ग्रेड करेंगे यूजिंग कलर मिक्स। तो गो टू दिस टैब, सिलेक्ट कलर मिक्स। अब फर्स्ट रेड चैनल, हू को थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा -10। सेचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा -8। और लुमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा अप टू 8। देन ऑरेंज टैब, अब इसका सेचुरेशन थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा अप टू -17। देन लुमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, जिससे स्किन थोड़ा सा ब्राइट होगा, अप टू 16। देन येलो टैब, अब हु को थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा -88। सेचुरेशन को भी थोड़ा डिक्रीज करूँगा -42। और ल्यूमिनेंस को भी थोड़ा डिक्रीज करूँगा -8। अब ग्रीन टैब, अब ग्रीन का हु इंक्रीज करूँगा अप टू 54। सेचुरेशन को डिक्रीज करूँगा अप टू -67। और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा अप टू 11। अब स्काई ब्लू टैब, मैं हु को थोड़ा इंक्रीज करूँगा अप टू 55। सेचुरेशन को डिक्रीज करूँगा -85। और ल्यूमिनेंस को थोड़ा डिक्रीज करूँगा -13। देन ब्लू टैब, अब इसका सेचुरेशन 0 करूँगा। देन वायलेट टैब, इसका भी सेचुरेशन 0 करूँगा। देन पिंक टैब, अब इसका सेचुरेशन 70। और ल्यूमिनेंस 5। देन क्लिक डन। अब हम इसका थोड़ा सा ओवरऑल टेक्सचर को
और डिटेल्स को इंक्रीज करूँगा तो टेक्सचर अप टू 4, क्लैरिटी अप टू 4, और डीहेज अप्लाई करूँगा थोड़ा सा 10। अब थोड़ा सा वेनियर अप्लाई करूँगा थोड़ा सा, आई गेस अप टू -16। मिड पॉइंट को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, आई गेस या 60, और फेदर को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा अप टू 60। देन शार्पनिंग टैब, अब ओवरऑल शार्पनिंग इंक्रीज करूँगा अप टू 73-80 आई गेस। अब डिटेल्स को भी थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा अप टू 38। देन मास्किंग अप्लाई करूँगा जिससे सिर्फ एज शार्प होगा अप टू 71। देन थोड़ा सा नॉइज रिडक्शन अप टू 15, और थोड़ा सा कलर नॉइज रिडक्शन अप टू 17। अब हम इमेज का स्किन स्मूदनिंग करेंगे, तो जूम अप टू 100% और मोर। देन गो टू दिस टैब, क्लिक प्लस और फर्स्ट वन को सिलेक्ट कीजिए। अब इमेज के अकॉर्डिंग ब्रश साइज को सिलेक्ट कर लीजिए। अब सिलेक्ट फेदर साइज मोर देन 50। अब यहाँ से इस तरह से फेदर को इंक्रीज डिक्रीज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। फेदर 93 इन, यहाँ से फ्लो 100 ले लेता हूँ। अब हम इस तरह से स्किन को सिलेक्ट करेंगे, मेक श्योर कि कोई भी एज ना सिलेक्ट रहे। इट विल टेक टाइम सो आई एम मेकिंग इट क्विक। कोई भी गड़बड़ हो जाए तो आप यहाँ से ही अनडू कर सकते हैं। देन अगेन सिलेक्ट लाइक दिस। और अगर आप कोई भी पार्ट को सिलेक्शन से रिमूव करना चाहते हैं तो क्लिक दिस, और आप इस तरह से ब्रश करके सिलेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। एंड अगेन इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये लगभग सिलेक्शन है मेरा। देन गो टू दिस टैब, अब यहाँ से टेक्सचर को थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा अप टू -8, और क्लैरिटी को भी डिक्रीज करूँगा अप टू -6। डोंट ओवर डू इट, वरना स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। देन हम थोड़ा सा इसका शार्पनेस इंक्रीज कर दूंगा लाइक दिस। देन क्लिक डन। अब हम इमेज को थोड़ा सा और भी कलर ग्रेड करेंगे, तो क्लिक ऑन दिस। देन दिस टैब, अब टू शेडो कलर समथिंग लाइक 2-8, थोड़ा सा ब्लूइश। अब उसका सेचुरेशन को इंक्रीज कीजिए अप टू 32, और लुमिनस को थोड़ा सा डिक्रीज कीजिए। तो हमारे शेडो में थोड़ा सा ब्लूइश टोन आएगा। अब हाईलाइट में कोई भी वार्म कलर चूज कर लीजिए, लेट्स सपोज दिस येलो वन। अब सेचुरेशन उसका थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए अप टू 45, थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ अप टू 23। हम उसका लुमिनेंस इंक्रीज कीजिए अप टू 22। देन मिड टोन में जाइए और इसमें से भी थोड़ा सा वार्म कलर चूज कर लीजिए, लेट्स सपोज 227। अब सेचुरेशन टू 20, और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ
40, थोड़ा सा सेचुरेशन को भी इंक्रीज कर देता हूँ, अब 40, देन क्लिक डन। अब हम इसका कलर कॉन्ट्रास्ट बूस्ट करेंगे यूजिंग रेडियल फिल्टर, तो सिलेक्ट दिस वन। अब इस तरह से एक रेडियल फिल्टर कर लीजिए, मैं इसमें थोड़ा सा डीएज अप्लाई करूँगा थोड़ा सा मिस्टिक इफेक्ट लाने के लिए, 2-8 आई गेस। अब उस पर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, अब 2+8, क्लिक डन। और भी एक रेडियल फिल्टर लीजिए इस तरह से स्किन के लिए, तो स्किन थोड़ा सा कूल लग रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा वार्म करूँगा, 7+। और थोड़ा सा हाईलाइट भी ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्लेज लाने के लिए, 6+। आप चाहे तो थोड़ा सा व्हाइट को ट्विक करके देख सकते हैं, तो इन क्लिक डन। और एक रेडियल फिल्टर ले लीजिए फॉर दिस हेयर पट, मैं इसमें थोड़ा सा रेडी स्टोन डालना चाहता हूँ, तो अब इस तरह से रेडियल फिल्टर कीजिए, इस तरह से रोटेट कर लीजिए। अब टेम्परेचर इस तरह से इंक्रीज कर दीजिए तो इस तरह से ग्लेजी इफेक्ट आ जाएगा। आप चाहे तो इसमें भी थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और वाइट ब्लैक एडजस्ट कर सकते हैं। एनीवे, क्लिक डन। बिफोर सेविंग द फाइनल, मैं इसमें कलर प्रोफाइल ऐड करूँगा, तो क्लिक ऑन दिस, चूज विंटेज समथिंग, तो मैं इसमें ये चूज कर लेता हूँ। एपासिटी अप टू 73, देन क्लिक डन। अब मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बूस्ट कर्व ऐड करूँगा, तो यहाँ से इस तरह से फेडेड एस कर्व बनाऊँगा लाइक दिस, देन क्लिक डन। अब थोड़ा सा सेचुरेशन को आई गेस इंक्रीज करूँगा अप टू 7, और थोड़ा सा टेम्परेचर भी इंक्रीज करूँगा 2-4। तो ये था हमारा आज का वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं। एंड वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।